एक बार मंत्री बीरबल शहंशाह अकबर को अपने महल में दावत के लिए आमंत्रित करते हैं। शहंशाह अकबर जहां भी जाते वहां उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही करा दिए जाते थे। हुजूर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर और यहां पधार कर हमारा मान रख लिया। हम सभी के आमंत्रण का मान रखते हैं बीरबल। आपका स्वागत है। फिर शहंशाह अकबर के सामने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान परोसे जाते हैं। जब शहंशाह अकबर पकवानों को खाते हैं तो वे मनमुग्ध हो जाते हैं और वे बीरबल से कहते हैं, बीरबल, पकवान बड़े ही लजीज हैं। ऐसे पकवान हमने अभी तक नहीं खाए। उस रसोइये को बुलाओ, हम उनसे बड़े खुश हैं। जी हुजूर। जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना ये सभी पकवान मैंने ही बनाए हैं। हम तुमसे बड़े खुश हुए, मांगो, क्या मांगते हो? यह सुनकर बीरबल बीच में ही शहंशाह अकबर को टोकते हुए कहते हैं, हुजूर, पहले आप ये स्वादिष्ट पकवान तो खा लीजिए, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। ठीक कहा बीरबल। दावत हो जाने के बाद मंत्री बीरबल शहंशाह अकबर से कहते हैं, हुजूर माफ करें, मैंने आपको रसोइये से बात करते समय टोका, लेकिन आपको उस समय टोकना जरूरी भी था। वो क्यों बीरबल? हुजूर, आप सारी सल्तनत के बादशाह हैं। आपके द्वारा निकला हुआ हर एक शब्द पत्थर की लकीर के समान है। यदि आप किसी से यह बोल दें कि जो मांगोगे वो मिलेगा, ऐसे शब्द पूरी सल्तनत के लिए दुखदायी हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा खुश होकर या दुखी होकर कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसके कारण बाद में पछताना पड़े। हमेशा सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बीरबल।